वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तेश्वर। तो भाई कल हम मुक्तेश्वर आ गए थे। मैं हूँ, त्यागी है, काके है, एकता है, जितेंद्र भाई हैं। और भाई इतनी शांति है ना यहाँ पे, मतलब कि दिल्ली के आसपास की जितनी भी लोकेशंस है ना, 200 से 300 किलोमीटर के बीच में जो हमारी वीकेंड स्पॉट होते हैं, उसमें ये मुक्तेश्वर बहुत ही शांत है, बहुत ही कम क्राउडेड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें मसूरी और नैनीताल और ये क्या नाम है आपका ऋषिकेश, इन सबको छोड़ के अब थोड़ा सा ऑफ बीट की तरफ जाना चाहिए, जिसमें से मुक्तेश्वर एक है। और यहाँ पे मुक्तेश्वर में महादेव का एक बहुत अच्छा टेंपल है, जिसके लिए अभी हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और वहीं पर जा रहे हैं। रात को भाई हमने बहुत बढ़िया चिल किया, यहाँ पर बॉन फायर किया, खाना वाना सब यहीं पर किया। ये जस्ट मेरे सामने ही मेरा कॉटेज है, सारे इसमें गोल्डन पीक व्यू रिजॉर्ट, गोल्डन पीक रिजॉर्ट इसका नाम है। और भाई जस्ट सारा, जब मुक्तेश्वर में बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे बर्फ़ हो जाती है सारे में, बहुत बढ़िया व्यू आता है। तो यहाँ आने के सारे सीजन ही बेस्ट हैं। सर्दी में ज़्यादा थोड़ा इनहेंस हो जाता है, और बरसात में तो भाई बहुत ही प्यारा लगता है। कहते हैं कि पूरे बादल नीचे हो जाते हैं और आप ऐसा लगता है कि बादल के ऊपर हो, हेवन वाली फीलिंग आती है भाई। तो भाई ये हमारा रूम है, ये एंट्री है। ये थोड़ा सा रूम हमारा फैला हुआ है क्योंकि ये हम यूज़ कर चुके हैं कल पूरे दिन, अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। और ये बालकनी है भाई, बहुत बढ़िया मज़ा आया था इस बालकनी में, ये पूरा व्यू है यहाँ से। एक डबल बेड ये था, एक डेढ़ बेड ये था, एक गद्दा हमारा नीचे बिछ गया था। और उसके बाद ये हमारा बाथरूम है भाई, क्लीन बाथरूम मज़ा आया था, बेहतरीन। और ये मैं हूँ, हेलो। तो भाई होटल से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही हमें ये कैफ़े दिखा है, कैफ़े चांदी माटी, और हमने रिव्यूज़ में देखा था ठीक है। बाकी अभी यहाँ जा रहे हैं, नाश्ता कर लेते हैं। हमने होटल में इसलिए नहीं किया क्योंकि सब कुछ वहीं कर लेंगे तो फिर इधर उधर का एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे ना, तो ये सब एक्सप्लोर करते हैं। ये रही हमारी टीम सारी, और ये रहा कैफ़े, दीदी ने छींक मार दिया तो हमारा बढ़िया जाएगा व्लॉग। आ जाओ गाइस, वाइब तो बढ़िया लग रही है भाई। चांदी माटी समझ गया नाम क्यों है इसका, पूरा मड से बना हुआ है, बिल्कुल ही खाली है अभी तो। भाई खुल गया भाई, चलो। और तो भाई कई सारी तरीके की सिटिंग है, एक सिटिंग ये है और ये ओपन सिटिंग है। तो अभी धूप नहीं है तो बाहर बैठ सकते हैं। और यहाँ से हमारा इस पेड़ के जस्ट पीछे हमारा रिजॉर्ट ही है जहाँ पर रुके थे, तो रिकमेंडेड जगह है भाई द गोल्डन पीक। आप वहाँ रुक सकते हो अगर आप मुक्तेश्वर आ रहे हो तो। 5500 का हमारा रूम था और बॉन फायर के 500 रुपये लेते हैं, तो हमने अपना यूट्यूबर कोटा चलाया और 500 रुपये फ्री करा लिए कि आपको जी भेजेंगे क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स आए ना आए हमारा डिस्काउंट हो गया है। ये भाई हमारे लिए मेन्यू लेके आया, लाओ भाई। तुम्हारा क्या स्पेशल क्या है भाई यहाँ का लोकल फूड में क्या होता है? थाली है अगर नॉन वेज चाहिए तो मटन करी से निकल गए हैं। और खाना बहुत बढ़िया था बट थोड़ा सा कॉस्टली लगा हमें, एक पराठा 180 रुपए का, जो कि बहुत ही मतलब वो था, क्या कहते हैं उसे, नॉट एक्सेप्टेबल। 80 तक का मैं एक्सेप्ट कर सकता था भाई, 100 भी ठीक है, बाहर आए 100 भी ठीक है चलो, पर 180 ज्यादा हो गया भाई। और कोल्ड कॉफी बढ़िया स्ट्रांग बना रखी है, मजा आ रहा है। तो भाई पहुंच चुके हैं महादेव के टेम्पल, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, बड़ा बहुत ही पतली सी रोड है भाई, बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी पार्किंग करने में। ये यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट है, सवारी हमारी सारी पहुँच चुकी है पहले ही गेट पे। चलो भाई आराम से, काक के आराम से, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो भाई पहुंच चुके हैं मंदिर, अब ये कुछ सीढ़ियाँ और बची हैं, ये पूरा ट्रैक ये लोग करते हुए हैं,
मैं आया हूँ नीचे दूसरे वाले रास्ते से जो बिल्कुल कच्चा रास्ता है। तो भाई दर्शन करके आ गए हैं, निकल चुके हैं अब हम बाबा नीम करौली के लिए। रास्ता बहुत ही भाई पतला पतला सा है तो गाड़ी बड़ी दिक्कत करती है, फंस जाती है कोई सामने से गाड़ी आती है ना। वो तो सुबह से हम जमुना पार के ड्राइवर हैं, होपलेस नहीं होते कहीं भी। यूपी 32 वालों की तरह, यूपी 32 वालों की तरह भाई, यूपी 32 वाले ने किलसा दिया हमें हर मोड़ पे। तो भाई ने हॉर्न दिया है जो सामने दिख रहा है कि HR 36 थे। हाँ भाई थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है हमें। जैसा आपने देखा कि हमारा टायर फट गया था, छोटी सी एक किनारी हमारे टायर में लगी और वो टायर फट गया, 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया। तो अब हमने चेंज करा है और अभी एक समस्या और खड़ी है, हमारा पेट्रोल भी रिजर्व में चल रहा है और लास्ट पेट्रोल पम्प पे लाइट नहीं आ रही थी और नेक्स्ट पेट्रोल पम्प 20 किलोमीटर है। तो होप फॉर द बेस्ट, 20 किलोमीटर हम टाप जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वरना धक्का लगाना पड़ेगा जिसने बिस्किट ज्यादा खाए हैं। मैं तो चार ही खाए, दो सुबह दो भाई बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, एकदम खाली पड़ा है, जाने में भीड़ ज्यादा है, आने में कम थी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो भाई नकुचिया ताल पहुँच गए थे रात को, अभी नकुचिया ताल में ही हैं, हम रुके हैं लपैज रिजॉर्ट में जिसमें दो हट बनी हुई है। हमारा नाश्ता आ चुका है, नाश्ते के लिए मुझे बुला रहे हैं। तो भाई पूरा बढ़िया वाइड व्यू है यहाँ पे, सामने नकुचिया ताल की लेक दिख रही है। ये मुझे पूरा हट अराउंड पड़ा है फॉर 5 पीपल्स 4500 रुपये का, और मतलब बाकी ब्रेकफास्ट और डिनर अलग था, मतलब अच्छा था। दो बेड पड़े हैं और ऐसे मज़ा नहीं आ रहा होगा ना व्यू देखने में, आपको मैं दिखाता हूँ ड्रोन शॉट्स। हाँ जी भाई, तो पहुंच चुके हैं कहाँ, नैनी झील में, नैनीताल पहुंच गए हैं। जी तो भाई की तबीयत खराब थी तो दो लौंडे हमारे बोरे
त्याग जैकेट पहन लो। अरे एक और मैं यहाँ बैठे हैं, जीतू भाई की तबीयत हो गई है खराब, तो गाड़ी में सो रहे हैं और हम भी बिल्कुल ही बेशरम हो गए, छोड़ के ही आ गए उन्हें। भाई सोनम के मोमोज ले आए हम नैनीताल के, जो सबसे ज्यादा फेमस है। सोनम क्या खाएगी, सोनम अपना देख लेगी। सोनम को प्यार से खिला देंगे, सोनम क्या है। हाँ बाजबाद में डाल देंगे। अगर लकड़ी पे साड़ी भी लपेट लो ना तो इन लोग सूंघते हुए जाएंगे।